हम लोगों ने विकास के काम बहुत किए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के काम हो, चाहे हरियाणा सरकार के काम हो। आज जनता में एक मैसेज संदेश गया है कि इस 5 साल के अंदर जितने काम हुए, चाहे हमारे विधानसभा पर स्थानीय स्तर के हों, जिला स्तर पर हों, पूरे प्रदेश के हों, इन विकास के कामों में 5 साल के बाद आज सब कह सकते हैं कि जितना विकास आज हुआ है, चाहे हमारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से, चाहे नगर पालिकाओं के माध्यम से, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ है। अगर हम कालका विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको, यानी इन 5 सालों के अंदर हिसाब लगाए, हमारी लतिका बहन हिसाब लगा के बताती हमको कभी कभी, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा काम इस विधानसभा में हुए, 800 करोड़ रुपए, कोई जमाना कभी नहीं हुआ। मोरनी जैसे इलाके में, गांव में पानी नहीं था, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 120 गांव के अंदर हमने वहां पानी पहुंचाया है, सड़कों का जाल हमने बिछाया है। यहां से बद्दी तक का रास्ता कितना कठिन था, उस रास्ते को वहां पर आरओबी, रेलवे फाटक से निजात पाने के लिए आरओबी, वो भी बनाया जा रहा है। पिंजौर का बाईपास, नितिन गडकरी जी आकर के स्वयं इसका शिलान्यास करके गए थे और वो लगभग कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने एचएमटी का बहुत बड़ा नुकसान पिछली सरकारों ने एचएमटी का किया है, बहुत बड़े घपले ऐसे हो रहे हैं जिसकी जांच चल रही है। लेकिन उस एचएमटी की जगह पर पहले तो 100 एकड़ में एप्पल की मंडी, क्योंकि हिमाचल का ये रास्ता है, एप्पल की मंडी का एक शिलान्यास वहां करके और उसको हमने प्रारंभ करने की संकल्प लिया। इसी प्रकार से कोई ना कोई इंडस्ट्री आए, जो बाकी जमीन एचएमटी की है, वहां कोई ना कोई एक इंडस्ट्री योजना के अंदर निश्चित रूप से लेके आएंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार। हम लोगों ने विकास के काम बहुत किए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के काम हो, चाहे हरियाणा सरकार के काम हो। आज जनता में एक मैसेज संदेश गया है कि इस 5 साल के अंदर जितने काम हुए, चाहे हमारे विधानसभा पर स्थानीय स्तर के हों, जिला स्तर पर हों, पूरे प्रदेश के हों, इन विकास के कामों में 5 साल के बाद आज सब कह सकते हैं कि जितना विकास आज हुआ है, चाहे हमारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से, चाहे नगर पालिकाओं के माध्यम से, इतना काम पहले कभी नहीं हुआ है। अगर हम कालका विधानसभा की बात करें तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि आपको, यानी इन 5 सालों के अंदर हिसाब लगाए, हमारी लतिका बहन हिसाब लगा के बताती हमको कभी कभी, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा काम इस विधानसभा में हुए, 800 करोड़ रुपए, कोई जमाना कभी नहीं हुआ था। मोरनी जैसे इलाके में, गांव में पानी नहीं था, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 120 गांव के अंदर हमने वहां पानी पहुंचाया है, सड़कों का जाल हमने बिछाया है। यहां से बद्दी तक का रास्ता कितना कठिन था, उस रास्ते को वहां पर आरओबी, रेलवे फाटक से निजात पाने के लिए आरओबी, वो भी बनाया जा रहा है। पिंजौर का बाईपास, नितिन गडकरी जी आकर के स्वयं इसका शिलान्यास करके गए थे और वो लगभग कंप्लीशन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने एचएमटी का बहुत बड़ा नुकसान पिछली सरकारों ने एचएमटी का किया है, बहुत बड़े घपले ऐसे हो रहे हैं जिसकी जांच चल रही है। लेकिन उस एचएमटी की जगह पर पहले तो 100 एकड़ में एप्पल की मंडी, क्योंकि हिमाचल का यह रास्ता है, एप्पल की मंडी का एक शिलान्यास वहां करके और उसको हमने प्रारंभ करने की संकल्प लिया है। इसी प्रकार से कोई ना कोई इंडस्ट्री आए, जो बाकी जमीन एचएमटी की है, वहां कोई ना कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट ये अगली योजना के अंदर निश्चित रूप से लेके आएंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले।